आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फाइव मनी सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस के बारे में, इसका क्या बेनिफिट है और आप इसको कैसे खुलवा सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जान लेते हैं फाइव मनी यानी कि फ्रीडल अकाउंट फ़ी। तो यहाँ पे जीरो फ़ी है, आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी जीरो लगता है और यहाँ पर जो है डिजिटल जीरो सेविंग अकाउंट बैलेंस यहाँ पर फाइव मनी की तरफ से खोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सुविधा क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा और यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा दिया जाएगा और नेट बैंकिंग की भी सुविधा आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ चेक बुक, NEFT, RTGS, IMPS, UPI सभी सर्विस आपको मिलेंगे। डेबिट कार्ड को आप इंटरनेशनल में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप इंटरनेशनल भी फाइव मनी डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबल कौन से हो सकते हैं वो व्यक्ति जो कि फाइव मनी अकाउंट को खोल सकते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल है, जो वर्किंग में लोग आते हैं, जो काम कोई जॉब करते हैं वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या सैलरीड पर्सन हो। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम बैलेंस, यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस फ़ी, तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस फ़ी मेंटेनेंस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप अकाउंट में आपका पैसा रहेगा 2.5% के आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद FD RD की भी यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाती है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की भी आपको सुविधा मिल जाती है। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है आपको जीरो फी पे लिया जा रहा है, यानी कि कोई भी चार्ज अकाउंट मेंटेनेंस का नहीं लिया जाएगा। उसके बाद वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं लेकिन आप यहां पे इंटरनेशनल भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल जीरो एनुअल कार्ड मेंटेनेंस चार्ज पे। तो यहां पे वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड फाइव मनी का इंटरनेशनल यूज में भी आप ला सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ATM ट्रांजैक्शन। तो आपको ATM ट्रांजैक्शन अदर ATM में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन एवरी मंथ दिए जाएंगे। जी हाँ, 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको दिए जाएंगे जिनसे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अदर ATM में 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन ₹20 लगेगा। तो अगर आप फाइव मनी सेविंग अकाउंट ATM से निकालते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए। धन्यवाद।